हेलो एवरीवन, हाउ आर यू ऑल, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज मौसम बहुत अच्छा हो रहा है, मैं आपको दिखाती हूँ। सो थोड़ी देर पहले बारिश हुई थी, अब बारिश नहीं हो रही पर मौसम काफ़ी अच्छा हो गया है। और जो मेरा हाइलाइटर है आई थिंक, हाँ, सो जो मौसम है वो बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया है और हम लोग जा रहे हैं थोड़ा सा आउटिंग करने, थोड़ा घूमने, क्योंकि आज संडे भी है और मेरे हस्बैंड भाग मिलकर भाग देख रहे हैं, तो उन्हें उठाना पड़ेगा, वरना वो तो आपको पता है वो फिर बैठे हैं टीवी के आगे, तो बैठे हैं। चलो मैं जाके उन्हें बोलती हूँ चलो, वरना फिर रात हो जाएगी और फिर कोई मतलब नहीं निकलेगा कहीं भी जाने का। चलो हाय, चलो चले, चलो 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 चलो, नहीं जाओगी तुम कहीं पे। मैंने बोजो को बुलाया, सॉरी मैंने राजा को बुलाया था और आ गए बोजो जी। सो अब हम लोग जा रहे हैं। सो मैंने अपनी सैंडल इस रूम में रख दी थी और मैं अब सैंडल निकाल लेती हूँ। सो उस दिन जब मैं आई थी रिकॉर्डिंग करने, तो मैंने अपनी जो फ्लैट सैंडल्स थी, जो मैं बहुत कंफर्टेबल फील करती हूँ जिसमें, वो मैंने यहाँ रखती थी। मेरे हस्बैंड हमेशा कार की चाबी लेके जाना भूल जाते हैं। क्यों भूलते हो तुम? जिसमें जाना है उसकी ही चाबी नहीं लेके जाते थे। हाँ मंकू, इनका पेट नेम है मंकू, क्योंकि इनका नाम है मयंक तो इनका पेट नेम है मंकू। हाय मंकू। उमस हो रही है, हाँ, बारिश होने के बाद तो उमस होती है, या फिर जब ढंग से नहीं होती तब जरूर होती है। ये कार निकाल लें, ये झूला हम लोगों ने हटा दिया है क्योंकि बरसात में वो भीग जाता है, उसकी जो गद्दी है वो तो पूरी गीली हो जाती है, तो झूला यहाँ से अलग कर दिया गया है। सो चलिए। राजा वैसे पचमढ़ी और जबलपुर में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। बात पता क्या है, हाँ हिल स्टेशन नहीं है पर जबलपुर में सेम पचमढ़ी जैसा एक स्पॉट है, भैंसा घाट नाम है उसका, थोड़ा तो नाम फनी है, बस भैंसा घाट नाम है। हम लोग गए हैं बट वो कपल्स के लिए लगा, लाइक आप सिंगल कपल जा रहे हो तो वो बिल्कुल भी सेफ स्पॉट नहीं है, क्योंकि वहाँ पे कुछ ऐसे इंसिडेंट हो चुके हैं, जो अगर आप दो कपल भी जा रहे हो तब भी वो सेफ नहीं है वो जगह, क्योंकि आप ऊपर मतलब ऊपर चढ़ के पूरा रास्ता है पहाड़ियों से और उसके बाद वहाँ पे बहुत प्यारी फॉल है और पूरा जंगल टाइप का है वो, तो वो ज़रा वो बहुत ज़्यादा ही डेंजरस, अच्छी जगह है पर डेंजरस जगह है। तो हम लोग भैंसा घाट एक बार मम्मी पापा के साथ गए थे और एक बार आई थिंक हम लोग के फ्रेंड्स कपल्स थे, दो तीन कपल थे ना, तीन चार कपल थे, दो तीन नहीं तीन चार कपल थे, उनके साथ गए थे। आज सुबह से हम लोगों ने क्या किया है, आज सुबह हमने बैम्बिनो खाए, रेसिपी आएगी, मैं बनाती हूँ बहुत जल्दी से। मेरे को अभी कुछ कुकिंग जोन के लिए भी सामान लेना है जो मैं जाके लूँगी, थोड़ी शॉपिंग करनी है, थोड़ी डिओ की शॉपिंग करनी है, थोड़ा मेकअप की शॉपिंग, अगर मेरे को वहाँ पे कुछ दिखता है अफोर्डेबल तो वो शॉपिंग करूँगी मैं। और हाँ, मैंने अभी ऑनलाइन भी बहुत सारे अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स की शॉपिंग करी है और उसका मैं एक हॉल भी करूँगी और एक मैं उसका मेकअप ट्यूटोरियल भी करूँगी, और काफ़ी अफोर्डेबल है वो, काफ़ी अफोर्डेबल है, हाँ काफ़ी अफोर्डेबल है। और साथ ही मैंने कुछ स्किन केयर प्रोडक्ट्स भी लिए हैं, वो मैंने पर्पल से लिए हैं जो कि है लोटस के, पहले आई थिंक एक साल पहले मैं लोटस की पूरी किट यूज़ करती थी, फेशियल किट नहीं, उसके जो स्क्रब आता है उसका, नाइट क्रीम और उसकी डे क्रीम और उसका एक फेस मास्क आता है, फेस वॉश आता है, तो वो पूरी एक उसमें आता, तो वो पता है बहुत इफ़ेक्टिव था, बस नाइट क्रीम मेरे लिए बहुत ज़्यादा ऑयली थी, तो नाइट क्रीम मैंने कभी उसकी थोड़ी बहुत यूज़ करी है पर यूज़ नहीं करी मैंने उसे, क्योंकि मेरे को उसे पिंपल्स आ जाते थे इसलिए वो मैं यूज़ नहीं करती थी। तो मैंने अभी कुछ लोटस के प्रोडक्ट्स भी मंगवाए हैं, एक फेशियल किट भी मंगवाई है और ऐसी बहुत सारा सामान मंगवाया है, हाँ सो ये सब सामान मैंने ख़रीदा है, तो अब जल्दी से वो आए और मैं एक हॉल करती हूँ और एक वीडियो भी।
हम लोग देख रहे हैं कि हम कहाँ जाते हैं और मेरे को देखते हैं कि थोड़ी बहुत शॉपिंग भी कर लेंगे साथ में। तो क्योंकि मैं ऑनलाइन शॉपिंग करने यहाँ पे नहीं जा पाती हूँ, मतलब ऑनलाइन शॉपिंग करने नहीं जा पाती क्योंकि मैं नॉर्मल शॉपिंग करने यहाँ पे नहीं जा पाती हूँ, इसलिए मैं सोचती हूँ कि मुझे ऑनलाइन जितना सामान मिल जाए उतना मैं खरीद लूँ। तो ऑनलाइन शॉपिंग करने जाती हूँ मैं। हाँ यार, मेरे को लगता है यहाँ पे कोई होल सेल वाला ऐसा मिल जाए जिससे प्रोडक्ट सस्ते मिले और मैं उसका अपना ऑनलाइन स्टोर डाल दूँ, है ना? और क्या? अच्छा आइडिया है वैसे। ऐसे में क्या होगा, आप लोगों को ज़्यादा भटकना भी नहीं पड़ेगा। रिमझिम बारिश हो रही है। हाँ सर, मैं ये कह रही थी कि मैं देखती हूँ कोई होल सेलर हमें मिलता है जिसके पास सामान सस्ता हो और अगर वो मुझे प्रोडक्ट अच्छे लग रहे हैं तो उसका एक ऑनलाइन स्टोर खोल दिया जाए। सो देखते हैं कौन कौन चाहता है ऑनलाइन स्टोर, कौन कौन चाहता है ऑनलाइन स्टोर अफोर्डेबल प्रोडक्ट्स के लिए। मैं बहुत ज़्यादा डुप्लीकेट या ऐसा नहीं कि मैं किसी चीज़ की कोई कॉपी रखूं, डिमांड पे खुला सिर्फ अफोर्डेबल किसको चाहिए है वो, कि एकदम आसानी हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है ना, हर जगह आप देखो रेट बहुत ज़्यादा वेरिएशन मिलती है और इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है, क्योंकि मुझे होती है पर्सनली बहुत दिक्कत। तो मैं ये चीज़ आज दोपहर से सोच रही थी कि अगर मुझे यहाँ पे कोई होल सेलर मिल जाए और मैं कुछ कर पाऊँ इस एरिया में। सो किसको चाहिए वो नीचे कॉमेंट सेक्शन में बताए कि ये आइडिया कैसा है। सो हम लोग आए हैं मैगी पॉइंट डुमना और हम लोग को ऐसे मौसम में बारिश हो रही है और ऐसे मौसम में हमें मैगी खाने का मन कर रहा था और इलायची की चाय। तो इलायची की चाय लेके आते तब तक मैगी बनेगी। सो यस, आज संडे हम लोग का ऐसे ही जाने वाला है। सो गाइस एक बात बताती हूँ, अगर आप कहीं घूमने नहीं जा पाते हैं और आप अपने यहाँ आसपास घूमते हैं, ऐसे घूमते रहते हैं जैसे कि हम लोग घूम रहे हैं और साथ में हैं, तो वो बहुत अच्छा लगता है। और बोजो के लिए बहुत सारे लोग बोलते हैं कि बोजो गाँव अकेला छोड़ के आते हैं, तो मेरे पास अभी मोबाइल नहीं है, मतलब मैं मोबाइल शूट कर रही हूँ, इनके मोबाइल पे मैं दिखाती। पीछे वाला जो मेरा रूम है उसमें आजकल ऐसे कैमरे आने लगे हैं जो बहुत अफोर्डेबल हैं, आई थिंक 4,000-6,000 के आते हैं वो। तो वो आप ऐसे लगा दीजिए जब आप जा रहे हो और उसे ऑन करके चले जाओ और आपके जो फ़ोन पे दिखता रहेगा कि बोजो क्या कर रहा है। तो मैंने वहाँ पे कैमरा लगा के रखा हुआ है, जब भी मैं उसे बोजो को छोड़ के जाती हूँ तो मैं उसे पीछे वाले रूम में छोड़ देती हूँ, जो हम लोगों का एक और रूम है वहाँ पे 2BHK है ऊपर, जो मैं बहुत रेयरली आपको दिखाती हूँ या कुछ, तो वहाँ पे छोड़ देती हूँ बोजो को और वहाँ पे उसके सामने कैमरा लगा देती हूँ कि वो क्या कर रहा है। तो हम लोग पूरे टाइम उसे नोटिस करते रहते हैं और बोजो को साथ में लाना नहीं ला सकते आप बोजो को साथ में, बोजो बहुत ज़्यादा शैतान है, वो ऊपर नीचे मेरी पूरी जीन्स, मेरी पूरी हालत ख़राब कर देगा, मेरे बाल नोच देगा और सब कुछ कर देगा, और वो परेशान हो जाता है अगर हम उसे कहीं लेके जाते। बचपन में हम उसे बेड़ा घाट वगैरह हर जगह घुमाने लेके जाते, तब वो शांत था और वो वहाँ बैठता था। राजा कहाँ बैठता था बताना? पीछे जो आपको जहाँ स्पीकर लगे हैं ना, वो जो विंडो आपको दिख रही है पीछे, वहाँ पे। गाइस बिरयानी मैगी पॉइंट में मैगी और ऐसे मौसम में मैगी या मैगी पॉइंट, पता है घर में वो मैगी खाने का मज़ा नहीं। हम लोग घर में मैगी खाते ही नहीं है ना ऐसे, हम लोग मटर गाजर वाली खाते हैं मैगी। और मैं लेके जा रही हूँ मैगी और सब कुछ, आज मेरे को रेसिपी रिकॉर्ड करनी है कम से कम 3-4, मैं सोच रही हूँ समोसे वगैरह सब, तो मेरे को मटर खरीदनी है। और मैं राजा एक इनोवेटिव करने वाली हूँ कुछ, लाइक ब्रेड और सूजी के क्रिस्पी समोसे, देखते होते हैं नहीं होते हैं। सब कुछ इनोवेटिव करूँगी यार मैं। है जहाँ हमें रुकना है और यहाँ पे काफ़ी भीड़ है तो ये काफ़ी सेफ है आज। एक्चुअली हम लोग एक दिन आए थे और हम रात हो गई थी, तो यहाँ पे मतलब रहते हैं जो देखते हैं कि रात में कोई जंगल के साइड ना जाए, तो उन लोगों ने बोला हमें जाना नहीं चाहिए थी रात में। सो चलिए बाहर चले, कुछ फोटो सेशन चलेगा, फोटो सेशन। दिस इज़ माई फेवरेट प्लेस, अगर बारिश हो रही बहुत अच्छी तो मैं आपको यहाँ मिल सकती हूँ इन मैगी पॉइंट या यहाँ। सो ये है व्यू, हम लोग एकदम किनारे चलेंगे देखने व्यू को। ये क्या है? सो वही लेने जा रही थी। लेट चल रहा है, तुम मत जाओ प्लीज, वहाँ पे तुम कूदने जा रहे हो। हाय, हेलो, तुम्हारी आंखें क्यों चली गई? आपको ये चेंज कराना है। यस दादे, वो क्या है ब्लू? पोल्ट्री फार्म। अच्छा पोल्ट्री, वहाँ गए हम लोग कभी?
सो ये भी पचमढ़ी जैसे ही लग रहा है मुझे, लग रहा है ना? ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। आई थिंक हमें बीच वेकेशन पे जाना चाहिए, मेरे को लग रहा है पचमढ़ी छोड़ के। सो हम लोग कहाँ हैं राजा? हम लोग हैं डुमना एयरपोर्ट पे, एयरपोर्ट के बाहर है मतलब। तो कौन चाहता है कि मैं राजा को भगा दूँ? क्यों भगाओगी मेरे को? तुम चले जाओ। क्यों चला जाओ? जो कहीं घूम फिर के आओ, फोटो भेज देना और एक ब्लॉग करके आना। हाय रॉक 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 रॉक। तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और अगर राजा ने कहा है कि अगर बहुत तेज बारिश आएगी अभी, जस्ट अभी आ जाती है, तो राजा डांस करेगा। कौन से गाने पे? डोल जगीरो दा, पंजाबी गाने पे। सो यू कैन सी माय फेवरेट पोज। सो अब हम लोग चलते हैं वापस। लॉन्ग ड्राइव के बाद हम लोग जा रहे हैं। बहुत अच्छी अमेजिंग लॉन्ग ड्राइव थी। हालांकि जो बारिश है वो जब लोग घर में निकले थे तब हुई थी। यहाँ पे हल्की हल्की बूंदाबांदी हुई है, और उसके बाद जो मौसम का हाल है वो ये है कि मौसम अच्छा है बट बारिश नहीं हुई है, वरना ही डांस करते। नहीं, भुट्टा नहीं खाना। तुम्हें भुट्टा खाना है? मेरी लिपस्टिक निकल जाएगी, मुझे अपनी लिपस्टिक की बहुत ज़्यादा फिक्र है। हम कहाँ चले अब? कुछ शॉपिंग वॉपिंग करनी हो? दिल चलती राहों में सताई है, हर कदम साथ है तू ही मेरी तन्हाई है, तू साथ चल के मेरी धड़कन में तो रहती है, तू दर्द बन के मेरे आंसुओं में बहती है, हमें तो साथ चलना है, हमें तो। अगर तुम्हें गाना नहीं पता है ना, तुम कभी सौगन कभी सहेली देखी है? उस सीरियल का गाना है। मुझे सीरियल के गाने बहुत पसंद थे, मतलब मुझे सीरियल से गाने याद रहते थे। निका नहीं, वो था कसौटी जिंदगी का था, चाहत के सफर में दिलों के फासले देखो ये अक्सर टूट जाते हैं, कभी आंसू बहाते हैं, कभी जलते हैं सहरा में फिर भी मुस्कुराते हैं, इंतहा हर घड़ी की कसौटी जिंदगी की, कसौटी जिंदगी की। सोन परी और अरे कहा था शरारत, शरारत, और एक स्मॉल वंडर टाइप का सीरियल आता था, स्मॉल वंडर उसका इंग्लिश वर्जन है। हाँ, करिश्मा का करिश्मा वो आता था। सो बहुत सारे सीरियल थे, कभी सौदन कभी सहेली। तो आई थिंक फिफ्थ क्लास में थी या फोर्थ क्लास में थी उस टाइम आता था वो सौदन कभी सहेली। हाँ, हम लोग गुड़गांव में रहते थे उस टाइम। क्या ये विशाल से ज़्यादा नहीं कर पाए? इतनी भीड़ थी कि मैं वहाँ व्लॉग ही नहीं कर पाई। यार कितनी भीड़ थी ना वहाँ पे भयानक। वो बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिल रही विशाल में। हम लोग फिर प्लान बनाएंगे, एक दो दिन में हम दोबारा फिर से जाएंगे। और मैं अभी लेके आई हूँ जो थोड़ा बहुत ज़रूरत का सामान था, क्योंकि जो क्यू थी ना बिलिंग की वो बहुत लंबी थी, और फिर वो लेट हो जाता। हमें कचौरी ख़रीदनी थी, क्योंकि आज हम लोग का डिनर प्लान कचौरी है और मूवीज़ देखना और ये सब है। तो फिर इससे हमको लोगों को लगा कि हमें जल्दी निकलना पड़ेगा। मैं आई थी यहाँ पे घी लेने आई थी, बट मैं घी के साथ बहुत सारी चीज़ें लेके जा रही हूँ, क्योंकि मुझे बेसन की बर्फ़ी बनानी है। सो गाइस, चलो मैं घर चल के आपको सब कुछ दिखाती हूँ एक एक करके।
तो मैं आ गई हूँ वापस, मतलब हम लोग आ गए हैं वापस, और हम लोग 7:30 बजे आने वाले थे कब से, और अब 9:30 हो रहे हैं। क्या हुआ, मुझे विशाल से मैंने आपको बता दिया था घी लेना था, तो थोड़ी शॉपिंग कर ली और मेरे को विशाल दोबारा जाना है, और विशाल मुझे दोबारा जाना है क्योंकि वहाँ पे ना अमेजिंग ऑफर चल रहे हैं अभी। तो सबसे पहले तो मैंने घर के लिए ही 2 टी शर्ट्स खरीदी, ये थी 199 में 2 और एम साइज़, क्योंकि साइज़ बहुत बड़े लग रहे थे मुझे, और एक ये मैंने शॉर्ट्स ख़रीदा, कुछ खाने पीने का सामान, ये फेस टॉवल ख़रीदे, ये भी बहुत सस्ते थे, ये 5 पीस थे 60 रुपीज़ के। मैंने एक ट्रे ख़रीदी कुकिंग जोन के लिए ख़रीदी ये, और वहाँ बहुत अमेजिंग ऑफ़र चल रहा है, अगर आपके यहाँ विशाल आप जाके ज़रूर देखिए, ये 19 रुपीज़ की है, सोचिए 19 रुपीज़ की, 19 रुपये की इतनी अच्छी ट्रे है ये। उसके बाद मैंने ख़रीदा ये डब्बा, और डब्बे की आपको ज़रूरत पड़ती रहती है क्योंकि अभी बरसात आ रही है और बहुत सारा सामान सील जाता है, तो ये है 170 के आई थिंक, यस ये 170 के 5 पीसेस थे जो, और ये है लिटिल हार्ट्स, ये लिटिल हार्ट्स जो मेरे हस्बैंड को खाना था, ये मैंने लिया है इनके लिए हैंकी, क्योंकि आपको आपके हस्बैंड भी ऐसे ही हैं क्या, मैंने डेली एक हैंकी देती हूँ और ये डेली एक हैंकी घुमा के आते हैं। उसके बाद मैंने विस्कर लिया, ये कुकिंग जोन के लिए लिया, ये भी मैंने विक्सर। हमने डीओ ख़रीदे, डीओ 4 ख़रीदे आई थिंक, बहुत अच्छे बहुत ज़्यादा अच्छे ऑफर चल रहे थे। फिर ये ख़रीदी मैंने कैची सीज़र ख़रीदी, कैची ख़रीदी है, सॉक्सेस ख़रीदी है, 4 डीओ ख़रीदे और ये 4 मेरे हस्बैंड ने ख़रीदे हैं, एक ये क्योंकि डीओ ये लगाती हूँ मैं, बहुत रेयरली डीओ यूज़ करती हूँ, फिर एक ये 4 फ्लेवर थे उनने सारे ख़रीद लिए, देखिए 199 फॉर 2 थी ये टी शर्ट, ये है एक और, मतलब 4 फ्लेवर हैं ये डीओ के, ये 4 फ्लेवर हैं, मेरे हाथ में नहीं आ पा रहा क्योंकि एक से मैंने फ़ोन पकड़ा हुआ है, ये कुछ पर्सनल सामान, ये इनने फिर ख़रीदी है फ्रूटी की फिज़, और ये हमने ट्राई नहीं करी थी तो ये हम ट्राई करेंगे, हाइड एंड सीक, फिर एक और लिटिल हार्ट्स, मुझे नहीं मालूम है क्या आ रहा है, एक ये मेसन जार ख़रीदा है, एक जो मेरे पास था वो मेरे से गिर के टूट गया, कल ही टूटा है वो, एक मैंने नवरत्न मिक्स ख़रीदा है, मुझे नवरत्न मिक्स और भुजिया सेव, आलू भुजिया नहीं, मुझे भुजिया सेव और नवरत्न मिक्स बहुत पसंद है, फिर एक सॉक्स का पेयर और है आई थिंक, हाँ हो गया, तो इन टोटल इतना सामान ख़रीदा हमने, वो भी सोचिए एक सामान के चक्कर में। हमारे यहाँ हैं हाँ, और फिर मैंने कुछ चिप्स ख़रीदे हैं, चिप्स और एक हॉट चिप्स की दुकान है वहाँ पे, करेले का चिप्स, सारे चिप्स मिलते हैं उसके यहाँ पे। हाय डुगुलू, गो गो, मेरा बॉबी, मेरी बॉबी डार्लिंग, क्या कर रहे हो बेबी, बोजो बोजो, ठीक रहा है वो फिलहाल, जाओ 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 पीपी कर लो, सो ये अब पीपी करने गया है। और अब मैंने कुछ चिप्स खरीदे, ज़्यादा कुछ नहीं ख़रीदा चिप्स में, मेरे को लगा थोड़े बहुत आज के लिए क्योंकि हम मूवी देखने वाले हैं, तो मैंने कुछ चिप्स भी ख़रीदे हैं, और उसके यहाँ पता है बहुत अच्छे फ्रेश निकलते हुए अच्छे चिप्स रहते हैं, ये है आलू के मिर्ची वाले चिप्स, ये हैं मसाले वाली रिंग्स, ज़्यादा तो अच्छा मसाले वाली है, ये है प्लेन चिप्स जो मुझे बहुत पसंद है, आओ तो पता नाखून से मेरे पैर पे चढ़ गया, अपने नाखून से पैर पे चढ़ के ना, समझ गए ना तुम, बहुत दर्द होता है, क्या बोला, हाथ ही नहीं है तुम्हें पता, उसके नाखून चुभे मुझे बहुत गंदे, ये हैं चिप्स, ये भी हैं, ये मसाले वाले बहुत अच्छे लगते हैं, और ये मेरे हस्बैंड खाएंगे केले वाले चिप्स, ये मुझे इतने खासे, मुझे पहले बहुत पसंद थे पर अब मुझे पसंद नहीं, मैंने बहुत सारे खा लिए ऑलरेडी, तो
तो मुझे अब इतने पसंद नहीं है केले के चिप्स, पहले मुझे बहुत पसंद थे, पर जब कोई खाता है तो मैं साथ में ज़रूर खा लेती हूँ। सो ये हो गया, और फिर हम लोगों ने ख़रीदी है बहुत सारा कचौरीस। हाय बेबी, सो फिर हमने ख़रीदी है कचौरीस, क्योंकि हम मैं लंच क्योंकि मैं डिनर नहीं बनाऊंगी तो हम लोग कचौरी खाएंगे। और फाइनली रसगुल्ला, ये रसगुल्ला है इनका फेवरेट। ये शॉपिंग हम लोग बिल्कुल नहीं करने वाले थे, अपने आप हो गई ये शॉपिंग, हो जाता है, हो जाता है छोटे छोटे शहरों में, बड़े बड़े शहरों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती है। सो अब मैं इस व्लॉग को करूँगी एंड, और आप सबको ईद मुबारक हो, हैप्पी ईद, आपकी ईद अच्छे से जाए। और जिस जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो अभी की अभी मेरे चैनल को जाके सब्सक्राइब करें, मतलब जाके क्या यहीं पे सब्सक्राइब करिए। और आप मुझे फॉलो कर सकते हैं मेरे सारे सोशल मीडिया लिंक्स पे जो कि हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो हमारा संडे काफ़ी अच्छा रहा, हम लोग पचमढ़ी जाने वाले थे बट उससे काफ़ी अच्छा रहा, मतलब अच्छा लग रहा है आज, बहुत अच्छा यूटिलाइज हुआ, अच्छा सामान भी आ गया और हम दोबारा भी जाएंगे। सो गाइस, मैं आपसे मिलती हूँ अगले ब्लॉग में, और कल कोई भी वीडियो नहीं जा पाएगी इस व्लॉग के अलावा क्योंकि कोई शूट भी नहीं हुई है, क्योंकि संडे को जब मेरे हस्बैंड रहते हैं तो व्लॉग भी बहुत मुश्किल से शूट होता है, कई बार मंडे व्लॉग जाने के लाले पड़ जाते हैं क्योंकि ये लेटे रहते हैं और फिर मैं क्या करूँ। सो गाइस, फाइनल बाय, और बाय बाय।